हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं हस्तिनापुर घूमने के लिए, जो मेरठ के नज़दीक है। और मेरे हस्तिनापुर जाने से पहले हम लोग जाएंगे जम्मू द्वीप, जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। जम्मू द्वीप घूमने के बाद फिर हम लोग जाएंगे हस्तिनापुर। जम्मू द्वीप में हम आपको दिखाएंगे जैनियों के फेमस मंदिर, तीर्थ स्थल जो बहुत ही अच्छे बनाए हुए हैं, जिन्हें देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके बाद हम आपको ले चलेंगे हस्तिनापुर। तो ये देखिए दोस्तों, हम जम्बूद्वीप पहुँच चुके हैं, जो 0 किलोमीटर है। बस थोड़ी ही दूर पे जम्मू द्वीप आने वाला है। जैसे सामने आप देख रहे हैं, ये बोर्ड भी लगा है। तो यहाँ से उनके मंदिर शुरू हो जाते हैं जैनियों के। और ये देखिए सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको मंदिर दिखने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे हम अंदर जाएंगे, तो ये जम्मू द्वीप का एरिया पूरा शुरू हो जाता है। देखिए जब तक यहाँ पे छोटे छोटे, देखिए सामने लिखा हुआ है दिगंबर जैन प्राचीन मंदिर, जो भी है जैनियों के मंदिर यहाँ पे तीर्थ स्थल हैं वो शुरू हैं यहाँ पे। बहुत ही अच्छी कलाकृति है, मैं आपको दिखाता हूँ। और देखिए सामने जम्बूद्वीप आ चुका है। तो बस से उतरने के बाद अब हम आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, हम जम्बूद्वीप पहुँच चुके हैं। हाय दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम आए हैं हस्तिनापुर घूमने के लिए, सहारनपुर से, जो हस्तिनापुर 111 किलोमीटर है और आपका मेरठ से 37 से 40 किलोमीटर दूर है। तो हम मेरठ में ही थे, तो हम मेरठ से घूमने आ गए, ऑफिस काम से घूमने आए थे। तो अब हम लोग हस्तिनापुर घूमने आए हैं। हस्तिनापुर जाने के लिए पहले हमने बस की, बस अड्डे से, तो ममाना रोड से बस अड्डे से हमें बस मिली वहाँ से। और उसके बाद हम इस बस में आए हैं हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जाने के लिए हस्तिनापुर उन्होंने छोड़ दिया था हमको, बट हमें लगा कि वहीं उतरना है तो हम वहीं उतर गए, मगर दोबारा इस बस में बैठ गए हम लोग। तो घूमने वाली जगह है यहाँ पे तो जम्मू द्वीप। तो जम्मू द्वीप हम आपको दिखाएंगे अभी। अभी भी जम्मू द्वीप हम पहुँच चुके हैं दोस्तों, तो आपको दिखाते हैं। चलिए, तो हस्तिनापुर की आपको सैर कराते हैं हम लोग, चलिए आइए। दोस्तों, ये है जम्मू द्वीप का मेन एंट्री गेट। हाय दोस्तों, क्या हाल चाल। जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ से हमने एंट्री की है। और उसके बाद जैसे हम एंट्री कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो ये पीछे आप जो देख रहे हैं, सुमेरु पर्वत है।
दोस्तों, ये है हस्तिनापुर जंक्शन और ये हस्तिनापुर जंक्शन में हर एक जयंती एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी हुई आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसमें 24 तीर्थ करों के 16 जन्मभूमियाँ हैं, जो धार्मिक स्थल हैं वो इस ट्रेन में दिखाए गए हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। तो मैं अभी अंदर जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ कि क्या इसमें है। चलिए मेरे साथ। Thank you.
दोस्तों, ये था जम्मू द्वीप का सारे तीर्थ स्थल जो मैंने आपको घुमा दिए हैं। तो फिर आप इन्जॉय कीजिए और मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगेगा, बट लास्ट में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे पढ़े बिना तो कुछ भी नहीं होगा, यही तो ज्ञान है। ओके, बाय।